बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ के लाल टोपी काले कारनामे वाले वार पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, लाल रंग इमोशन का प्रतीक है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से मुख्यमंत्री सदमे में है। बता दें कि कल कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाल टोपी वाले काले कारनामे के लिए जाने जाते हैं, काले कारनामों से इनका इतिहास भरा पड़ा है। देखिए, कभी कभी लोगों को सदमा लगता है, आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा, ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है, ये कार्यक्रमों का, हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हो तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है, हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। इसीलिए मैंने कहा, ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। भैया कई इस समाजवादी पार्टी की पहचान है, कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है, और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। तो चलिए, इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। मानस, लाल रंग को लेकर जुबानी जो जंग चल रही है अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में, कहां इसको किस तरीके से देखा जाए? आखिर दोनों के जो चेहरे इस वक्त लाल दिखाई पड़ रहे हैं, लाल रंग का फायदा किसको मिलने वाला है जिस तरीके से जंग चल रही है? देखिए, 10 विधानसभा सीटों में पर उपचुनाव होने और उसको लेकर के रस्साकशी अभी से जारी है। दोनों ही खेमों से, चाहे बीजेपी का खेमा हो या समाजवादी पार्टी का खेमा हो, दोनों ही खेमों से लगातार वार और पलटवार हो रहे हैं। ये अलग बात है कि तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ, कब ऐलान होगा इसका भी अता पता नहीं, लेकिन चुनाव प्रचार अभी से ऐसा लगता है शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन तमाम जिलों में उन सीटों पर जा रहे हैं, संवाद और सौगात डबल कार्यक्रम चला रहे हैं। तो उन्होंने, और जिस भी मंच पे जाते हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के समय के जो तमाम खामियां थी उसको गिनाने से नहीं चूकते और बार बार वो निशाना साधते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि कटोगे तो बटोगे, हिंदुत्व की बात की थी, फिर उन्होंने कहा कि लाल टोपी और काले कारनामे, लेकिन आज अखिलेश यादव ने इस पर बड़ी विस्तृत व्याख्या करी। अपने एक्स पर भी उन्होंने पोस्ट किया और बाद में जब News 24 ने बात की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि लाल रंग जो है वो इमोशंस का प्रतीक है, यानी गुस्से से चेहरा लाल होता है, खुशी से चेहरा लाल होकर सुर्ख हो जाता है, तमाम जो तीज त्यौहार होते हैं उसमें लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। उनका इशारा उन महिलाओं की तरफ से था। उन्होंने कहा, काले रंग की भी व्याख्या की कि मंगलसूत्र काले धागे से होता है, तो रंग जो है वो इमोशंस के प्रतीक होते हैं, और वो मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं कि इमोशंस उनमें नहीं है। ये एक तरीके से सियासी तौर पर ये जुबानी जंग है, कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए, और जहां जहां चुनाव होने हैं वहां वहां राजनीति ऐसे ही गर्म दिखाई पड़ रही है।